अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हम स्टॉपिक में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें उसका फंक्शन, उसकी सिक्रीशन के वो क्या क्या कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, तो उसके सारे हमने डिटेल में पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में हम थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन, उनका फंक्शन को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड होते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ कन्फ्यूज़ नहीं करनी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था कि वो डिफरेंट और ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से उसको कहा गया था कि वो मास्टर ग्लैंड है। तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग बात हो रही है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है। इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन। नेक रीजन में प्रेजेंट होता है बिलो द लेरिंग्स। अब ये आपने पढ़ा होगा लेरिंग्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, जिसमें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैकिया वाला। तो उसमें लेरिंग्स के बिलो साइड पर ये प्रेजेंट होता है एंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। और इसका जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है। आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। इफ़ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन। अगर कोई पर्सन, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल हो, अपनी डाइट में आयोडीन को शामिल ना करे, आयोडीन की वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड अपने से हारमोन्स जो होंगे वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है उनमें, और उस डिज़ीज़ को कहा जाता है, ये डिसऑर्डर को कहा जाता है गॉइटर। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि थायरॉक्सिन इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब इसका फंक्शन क्या है, जो भी फूड होती है उसकी ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ करता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन के लिए, और रिलीज़ करता है एनर्जी। जो जैसे जैसे फूड ब्रेक हो रही है, फूड पार्टिकल, उससे जो एनर्जी मिल रही होती है वो बॉडी में आपकी बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं डेली की, उसको परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होती है। तो उसका क्या फंक्शन होता है कि फूड की ब्रेकडाउन करे और उससे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे, ये इस हार्मोन का मेन फंक्शन होगा। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसके अलावा ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। अब इसमें आपके पास दो कंडीशन है, एक है हाइपोथायराइडिज्म और एक है हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपो और हाइपर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को होना चाहिए। हाइपो मीन अंडर प्रोडक्शन, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं इज़ कॉज बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, मीन्स के एक ज़रूरत से ज़्यादा कम अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो रहा है, और उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लोअर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी कम से कम प्रोड्यूस होती है बॉडी में, बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, हार्ट बीट स्लो हो जाती है। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर कहते हैं ओवर प्रोडक्शन को, मीन्स के जो हार्मोन थायरॉक्सिन है वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। अब इसके क्या सिम्टम्स होंगे, इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी जो होगी वो बॉडी की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग मीन्स के बहुत ज़्यादा पसीना आना, शिवरिंग ऑफ हैंड्स, हाथ वगैरह कांपना, ये इसके सारे क्या हो जाएंगे सिम्टम्स। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस अनदर हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। एक तो हमने मेन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन पढ़ लिया, इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन होता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज करता है इन ब्लड एंड प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। मीन्स के ब्लड में से कैल्शियम आयन को डिक्रीज करके बोन्स वगैरह में स्टोर करता है, क्योंकि कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बोन्स की प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस हार्मोन का फंक्शन होता है कि अगर ब्लड में जितने भी कैल्शियम आयंस हैं उनको ब्लड से निकाल कर वहाँ पर उसका लेवल कम करके बोन्स में उसको डिपॉजिट करना शुरू करते हैं, ताकि बोन ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करें और बोन में स्ट्रॉन्ग बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग और इसमें इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती रहे। तो ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। देयर आर फोर ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज पैराथार्मोन। फोर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हार्मोन के, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके पोस्टीरियर साइड पर, और उनको कहा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। और उनका फंक्शन क्या होता है कि वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिसको कहा जाता है पैराथार्मोन।
इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। इनका फंक्शन होता है कैल्शियम आयन का जो लेवल होता है उसको ब्लड में इंक्रीज करना। व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन मोर देन नॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड बोन्स टू द बोन्स एंड एडेड टू द ब्लड। अब इसमें जैसे इसका फंक्शन जो होता है कि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना होता है, जितना ज़्यादा पैराथॉर्मोन रिलीज होगा उतना ज़्यादा बोन्स से रिमूव होकर कैल्शियम आयन ब्लड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ब्लड में कैल्शियम आयन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल, जिसकी वजह से बोन्स में सपोर्ट नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और बोन्स जो हैं वो ब्रिटल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी, मीन्स के वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। अगर पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, मीन्स के जब पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो फॉल हो जाएगा, मीन्स के बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो बॉडी पे अफेक्ट होंगे, सिम्टम्स होंगे, उसको कहा जाता है टेटनी। टेटनी की कंडीशन क्या होती है, विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, मीन्स के जैसे आप नॉर्मल रूटीन में प्रॉपर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन कंडीशन जब टेटनी की हो जाती है कि जिसमें कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मसल जो होते हैं आप सिंपली कह सकते हो कि वो अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो मूव नहीं कर रहे होते, उस कंडीशन को कहा जाता है टेटनी। तो ये इसका मेन फंक्शन था थायराइड ग्लैंड का, जो कि पैराथॉर्मोन रिलीज़ कर रहे थे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टूडेंट। बाकी जो ग्लैंड्स हैं एड्रीनल ग्लैंड्स और जो रह गए हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उनको देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।